Hey, hi guys! आज मैं My Girlfriend is an Alien के episode 2 को explain कर रही हूँ। तो अगर आपको episode पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, साउची किचन में आग लगा देती है, तो फैंग उसे जाकर बुझाता है, पर इसके लिए उसने अपने शर्ट को खोल दिया था। तो साउची फैंग के हार्मोन से अट्रैक्ट हो जाती है, वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि फैंग जो कुछ भी कह रहा था साउची वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई थी। यहाँ फैंग पूछता है कि ली कहाँ पर है, तो साउची बिना कुछ सोच समझे उसे वो कार्ड दे देती है जहाँ वो आज ली से मिलने वाली थी। वो कार्ड लेकर फैंग सीधा वहाँ के लिए निकल जाता है। जब साउची को होश आता है तो उसे समझ आता है कि उससे कितना बड़ी गलती कर दिया है, तो वो फैंग को रोकने उसके पीछे जाती है, पर तब तक फैंग निकल चुका था। तो साउची टेलीपोर्ट होकर सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर ली था, और वो ली को कहती है कि वो जितना जल्दी हो सके यहां से चला जाए क्योंकि वो बिजनेसमैन फैंग यहां पर आ रहा है उसे पकड़ने। पर ली इस बात पर उतना ध्यान नहीं देता और कहता है कि ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट उसके कंट्रोल में है, तो कोई भी बिना उसके इजाजत के यहाँ पर नहीं आ सकता, तो वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे। जिसके बाद वो साउची के लिए बहुत सारा खाना मंगवाता है और बताता है कि आज वो उसके लिए खाना गाएगा। यहाँ ये दोनों बिंदास होकर गपशप करने लगते हैं। ली साउची से उसके बारे में पूछता है, तो साउची सच बताती है कि वो एक एलियन है जो कि पृथ्वी पर फंस गई है। ली को उसके बाद मजाक लगती है, तो वो भी उससे मजाक करता है और कहता है कि वो खुद भी एक एलियन है। जिसके बाद साउची और ली एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले थे, पर साउची ने एक ग्लव्स पहन लिया था। ली के पूछने पर वो कहती है कि उसकी त्वचा बहुत ही सेंसिटिव है, अगर वो डायरेक्ट किसी से हाथ मिलाएगी तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इससे पहले कि वो हाथ मिलाती वहाँ पर फैंग आ जाता है और फैंग के आदमी ली को पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। ये देख साउची फैंग के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि उससे भी उसके साथ जाना है क्योंकि ली उसका एकमात्र दोस्त है। ये देख ली भी फैंग के पैर पकड़ लेता है और वो दोनों मिलकर वहाँ तमाशा कर देती है। फैंग को बहुत ही अजीब लगने लगता है, तो वो साउची को भी अपने साथ ले जाता है। घर आकर साउची मस्ती करने लगती है, तब उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर अपना एमेंसिएटर ढूंढने आई है, जिसके बाद वो काम पर लग जाती है और अपने पावर से अपने एमेंसिएटर यानी कि सूचना यंत्र को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसे पानी की आवाज आती है, जब वो देखती है तो वहाँ पर फैंग नहा रहा था, तो वो छिप कर फैंग को नहाता हुआ देखने लगती है। तभी कुछ आवाज से फैंग जान जाता है कि कोई उसके कमरे में आया है, तो वो बाहर निकलता है देखने के लिए कि कौन आया था उसके कमरे में। पर तब तक साउची अपने पावर से सारी चीजों को पहले जैसा कर देती है, पर फिर भी फैंग को थोड़ा शक हो जाता है, तो वो साउची के कमरे की तरफ जाता है। पहले तो वो ली के कमरे को चेक करता है, तो वहाँ ली सो रहा था, जिसके बाद वो साउची के कमरे में जाने ही वाला था, पर वो ऐसा नहीं करता और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वही इसके बाद साउची ये सोचकर कि वो बच गई, वो फिर से अपना काम शुरू कर देती है और अपने एमेंसेजर को ढूंढने के लिए फैंग के कमरे में आ जाती है जहाँ पर फैंग सो रहा था। वो पहले तो उसके कमरे को चेक करती है और जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो फैंग के बॉडी को चेक करने जाती है अपने पावर से, पर तभी फैंग जग जाता है और वो साउची को पकड़ लेता है। साउची कहती है कि वो तो यहाँ पर अपने एमेंसेजर को ढूंढने आई थी, पर फैंग को विश्वास नहीं हो रहा था, तो साउची विश्वास दिलाने के लिए कहती है कि वो अब उसकी तलाशी ले सकता है और वो अपने कपड़े खोलने लगती है। यदि फैंग उसे छोड़ देता है और अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। ये गार्ड्स साउची को बाहर ले जा रहे थे, पर साउची उन्हें उल्लू बुलाकर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग जाती है। इसके अगले सुबह जब ली उठता है तो वो फैंग से साउची के बारे में पूछता है, तो फैंग कहता है कि वो तो रात में ही घर चली गई। वो फैंग पर गुस्सा करता है कि आखिर उसने उसे रात में क्यों यहाँ से भगा दिया। फैंग इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। इसी बीच हम फैंग की सौतेली माँ को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ मिलकर फैंग को कंपनी से निकालने के बारे में प्लान बना रही थी। वो चाहती थी कि उसका अपना बेटा ली कंपनी का ओनर बन जाए और उसका सौतेला बेटा फैंग वो कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाए, और वो इसके लिए फैंग की कमजोरी को ढूंढ रहे थे। उसे पता चल गया था कि फैंग को भूलने की बीमारी है, पर उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, तो अपने भाई को इसके लिए सबूत ढूंढने को कहती है। वही इधर मिस चाय साउची के कमरे में आती है
और वो साउची को कहती है कि कल उसके कारण उसने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है और अगर उन्हें ऐसे ही प्रॉफिट करना है तो उन्हें ऐसे ही बड़े लोगों की जरूरत होगी। वो साउची को एक पेपर देती है और ये एक एग्रीमेंट था जहाँ लिखा था कि बैंक की कंपनी के सारे एम्प्लॉय उन्हीं के यहाँ से खाना खाएंगे। वो साउची को इस पे फैक का सिग्नेचर लाने को कहती है। यहाँ साउची कहती है कि उसे बहुत सारा काम है, उसे अपना एमएनसी ढूंढना है जो कि फैंक के पास है। जिसके बाद साउची उस पेपर को लेकर फैंक के ऑफिस के लिए निकल जाती है। साउची ऑफिस के अंदर आ जाती है और वो अपने पावर से समय को रोक के लिफ्ट के अंदर आ जाती है। मिस्टर फैंक वहीं पर था पर वो इसे हेलुसिनेशन समझता है और इग्नोर कर देता है। साउची फैंक के कैबिन के अंदर आती है और वो सामानों को चेक करने लगती है, अपना एमन सिटर ढूंढने लग जाती है पर उसे वो मिलता ही नहीं। फैंक जैसे ही अपने कैबिन के अंदर आता है तो साउची चालाकी से उसे बांध देती है और उससे पूछने लग जाती है कि उसका एमन सिटर उसने कहाँ रखा है, उसे पिछली रात उसे बचाना ही नहीं चाहिए था। ये बात सुनकर फैंक उससे पूछता है कि आखिर वो उसे कैसे बचा सकती है, कहीं वो सुपर वुमन तो नहीं है। साउची कहती है कि वो सही समझ रहा है, वो एक एलियन है और सुपर वुमन। ये सुन फैंक कहता है कि तब तो वो उसे एक्सपेरिमेंट के लिए भेज देगा और उसे बहुत सारे प्राइज मिलेंगे। ये बात सुन साउची घबरा जाती है और तुरंत अपनी बात से मुकर जाती है और कहने लगती है कि वो तो मजाक कर रही थी। इसी बीच फैंक खुद को छुड़ा लेता है और वो साउची को पकड़ लेता है पर तभी वहाँ अंकल आ जाता है तो फैंक साउची को नीचे छिपा देता है। अंकल फैंक को बताता है कि जियांग के साथ उसकी ब्लाइंड डेट है तो वो जाकर जियांग से मिले पर फैंक मिलने से इनकार कर देता है। अंकल के जाने के बाद साउची फैंक को बताती है कि उसका मंसेटर एक नीली रंग की चीज है तो अगर वो उसके पास है तो वो उसे दे दे पर फैंक कहता है कि उसके पास है ही नहीं। जिसके बाद साउची गुस्सा होते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो फैंक से मिलने के लिए उसकी गाड़ी को तोड़ देती है और जब फैंक वहाँ पहुँचता है तो फैंक के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है कि अब उसका काम पूरा हो गया है। जिसके बाद जियांग वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम फैंगली को देखते हैं जो कि ड्राइंग कर रहा था। कंप्लीट होने के बाद जब वो अपने फोन को चेक करता है तो वहाँ वो जियांग के मैसेज को पाता है और तब हमें पता चलता है कि फैंगली को जियांग से प्यार है पर जियांग उसे मना करके उसे छोड़कर चली गई थी और इतने सालों बाद वो वापस लौट आई है। फैंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार कर वहाँ से चला जाता है। इधर फैंग अपने घर पहुँचता है जहाँ उसके फादर और उसकी सौतेली माँ थी। यहाँ उसकी सौतेली माँ कहती है कि वो फैंगली को ड्राइंग की तरफ इसलिए भेज रहा है ताकि वो उसे कंपनी से दूर रख सके। जिस पर फैंग कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, फैंगली कंपनी में रहे या ना रहे इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इधर साउची रेस्टोरेंट में आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, उसका एमेंसिटर उसे नहीं मिल रहा था और साथ ही उसके एकमात्र दोस्ती को भी उससे बात नहीं कर रहा था। तब मिस शाही उसे किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचने को कहती है जिससे उसे खुशी मिले तो वो फैंगली के बारे में सोचती है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। वहाँ पर फैंगली आ जाता है और वो साउची के साथ बैठकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है। जब साउची उसे मना करती है तो वो नहीं मानता। यहाँ फैंगली को साउची की जगह जियांग दिख रही थी तो वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और ऐसा करने से साउची जो कि एक एलियन है उसकी प्रोटेक्शन लेयर हट जाती है। वो वेयर हाउस में चली जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। वहीं इधर फैंग फैंगली को ट्रस्ट करते हुए रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ वो देखता है कि फैंगली जमीन में पड़ा हुआ था तो वो अपने सेक्रेटरी को भूल कर उसे घर ले जाने को कहता है। तभी फैंग की नजर वेयर हाउस के दरवाजे पे जाती है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि साउची को बहुत ही ठंड लग रही थी तो वो एम्बुलेंस को कॉल करने जा रहा था पर साउची फैंग को मना कर देती है क्योंकि इससे उसका राज खुल जाता। तभी फैंग गर्म हो जाता है और साउची फैंग की गर्माहट को देखकर उसे चिपक जाती है और उसे कस के पकड़ लेती है। फैंग भी हैरान हो गया था कि वो इतना गर्म कैसे हो गया है। तभी साउची जो कि होश में नहीं थी वो फैंग को किस कर लेती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि अगले एपिसोड अब तक सबसे पहले पहुंच पाए। बाय बाय।